लक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और मेरे साथ राजेंद्र अरोड़ा जी हैं। और आज हम बात करेंगे जो आज बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या है, क्या क्या छूट गया, एक्सपेक्टेशन क्या थी और किस तरह से एक्सपेक्टेशन को पूरा किया गया, या बहुत सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी वो हम जो सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाई। तो आज हम जो बजट था उसकी एक छोटी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या पाया, क्या खोया, क्या गेन किया और क्या लूज किया। तो पहले आप मुझे बताएं रविंद्र जी कि क्या लगता है जो आज का बजट था उसको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू हिमांशु जी, सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। दोस्तों सर, आज जो है ये जो बजट था ये मैं कहूँगा एक बैलेंस्ड बजट था। काफ़ी कोशिश की गई इकोनॉमिक स्लो डाउन को कर्ब करने की, बहुत इम्पॉर्टेंट, और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ, अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ के साथ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने काफ़ी कोशिश की है। मैं उनको एप्रिसिएशन देना चाहता हूँ जी। लेकिन क्या है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ हिमांशु जी, अभी इकॉनमी जो है, मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इकॉनमी अभी रीसेट मोड पर है। जब भी कंप्यूटर, मतलब देखिए, जब समझ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर जो है वो कहीं अटक जाता है तो वो रीसेट ऑटोमेटिक करता है। तो यहाँ भी इकॉनमी जो है वो टोटल रीसेट मोड पे है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर हम स्लो डाउन में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा ग्रोथ डाउन हो रहा है। नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हम इकॉनमी को रीसेट कर रहे हैं। हमारा जो अब ग्रोथ लेड फार्मूला है, और इस बजट के बाद भी आप देखिए टैक्स रेट्स रिड्यूस किए गए, वेल्थ क्रिएशन की बात की गई कि वेल्थ क्रिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये सब बातें जो की गई इसकी किसके कारण, मैं समझता हूँ कि एक तरह से पूरा ओवरऑल हर सेक्टर को, हर सेगमेंट को कहीं ना कहीं टच अपॉन करने की कोशिश की है। और मैं इसको कहूँगा कि अगर मैं पर्सनली, आपने हालांकि नहीं पूछा, अगर मैं स्केल करूँ 5 के स्केल पर, तो मैं इसको 3.5 नंबर देना चाहूँगा कि बहुत, मेरे हिसाब से काफ़ी सधा हुआ और समझदारी भरा बजट रहा। तो अब मैं वन बाई वन करके कुछ पॉइंट पे आते हैं और उस पर बात करते हैं। पहली चीज कि आज एक नया टैक्स सिस्टम भी दिया गया इंडिविजुअल, जिसमें कहा गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और उसके अबव 30%। अब मैं एक आपको आकरा जरा डिफरेंस दूं, क्योंकि लोगों को बड़ा ये इंटरेस्ट रहता है कि कितनी सेविंग पहले मैं उसको कंप्लीट करूं फिर आपके पास आता हूं। अगर मैं नए स्ट्रक्चर के हिसाब से जाता हूं तो अप टू 5 लाख मुझे 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख पे जाते हैं तो अब जो टैक्स आएगा नए टैक्स सिस्टम के साथ 25,000, ओल्ड सिस्टम में 50,000 था। 7 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख पे अब मैं 37,500 दूंगा, पहले 50,000 देता था। अब 10 लाख से 12.5 लाख पे 50,000, पहले 75,000 दिया करता था। 12.5 लाख से 15 लाख पे 65,500 पहले आप दूंगा, पहले 75,000 देता था। यानी अगर मोटा मोटी मैं देखूं तो 12.5 हजार के आसपास का हर स्लैब में प्रॉफिट आ रहा है। आपको क्या लगता है ये अब, मतलब अब दिल मांगे मोर की तो बात है ही, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि जो नया टैक्स सिस्टम दिया गया वो इसमें डिडक्शन और एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर ली गई कैसे देखें? मैं हिमांशु जी, मैं तो इस बात के हमेशा फेवर में रहा हूं। मैं तो जीएसटी में भी हमेशा कहता था कि भैया एग्जेम्पशंस खत्म करो, डिडक्शंस खत्म करो, हर आइटम पर टैक्स लगाओ, हर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट दो, ताकि जितनी डिस्टर्बेंसेस कम होंगी फ्लो में उतना फ्लो स्ट्रांग होगा और स्मूथ होगा। एग्जेम्पशंस खत्म करना बहुत जरूरी है, डिडक्शंस खत्म करने की बात हमेशा से की जाती रही है। ये ऑप्शनल कर दिया गया है टैक्स पेयर के लिए कि आप चाहें तो ये टैक्स रेट लें, चाहें तो पुराना टैक्स रेट लें। अगर नया टैक्स रेट जो प्रपोज्ड है वो लेंगे तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो एवरीबॉडी शुड गो फॉर दिस, क्योंकि एग्जेम्पशन और डिडक्शन हमेशा सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक चीज और है कि वो फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट है, फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट है। आप चाहो क्यों करो 1.5 लाख रुपए की आप कंपल्सरी सेविंग, आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक इन्हीं चीजों में करना, आपको लगता है कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, मैं खर्च करना चाहता हूं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर आप देखें तो इसमें एक मैसेज जो मुझे भी लगता है इसमें रविंद्र जी, कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया है कि एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाए, हमारा जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है उसको थोड़ा बूस्ट मिले। मोटा मोटी मुझे तो यही लगता है सर, 100% सर, कंजम्पशन इंप्रूव होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा,
प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इट्स ए सर्कुलर फ्लो. और आदत लगाने की बात कही है कि 70 डिडक्शन डिलीट कर दिए गए. अभी उसके लिस्ट मुझे मैं बहुत कोशिश किया हूँ मिलने का, बट मुझे मिला नहीं है. तो आप अगर दूसरे पुराने स्कीम में भी जाते तो तैयार रहे कि डिडक्शन जो आपको मिलते थे कम मिलेंगी, अब कम मिलेंगी, कम मिलेंगी, बहुत कम. और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि आने वाले टाइम में ये और घटते जाएंगे. तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का इंडिकेशन बहुत क्लियर, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस विड्रॉ हो जानी चाहिए टू माय माइंड. और मैं आपको बता रहा हूँ आप फायदे में रहेंगे इस बात से. डिडक्शन एग्जेम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगी, टैक्स रेट्स को और रिड्यूस कर दिया जाए, स्लैब्स को और बढ़ा दिया जाए फ्यूचर में. लोग डॉक्यूमेंट जो लेके घूमते रहते हैं वो जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों में. सही बात है. अच्छा चलिए, दूसरा पॉइंट ये था कि एक तरह से आप देखें तो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको भी विड्रॉ, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ जी बहुत बड़ा मोटिवेशन है कंपनी का, रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया पिछले बजट में, इस बार पैसा निकालना शेयर होल्डर्स के लिए आसान कर दिया. अब मैं यही विजुलाइज कर रहा था कि मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास डिविडेंड आता है 1,00,000 रुपया, उस पर 20% टैक्स लग जाना था. वो बेचारा जो है वो 30% 35% टैक्स दे रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे. तो अब क्या किया, रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स कर दिया, जितना मर्जी पैसा निकालो और जिसके पास जा रहा है वो टैक्स दे देगा. एक चीज ये भी है कि कंपनी पे पहले कहीं ना कहीं कैश फ्लो भी हिलता था. कैश फ्लो हिलता था इस टैक्स की वजह से. को बढ़ाने की कोशिश, मतलब देखिए छोटे छोटे हैं, छोटे मेजर्स हैं, लेकिन बड़े नेगेटिव चीजें ढूंढे तो बहुत चीजें हैं. एक्सपेक्टेशन तो कभी, लेकिन एक छोटे छोटे जो इंसेंटिव है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के हिसाब से किया गया. सर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है. लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑप्ट ही नहीं करते थे क्योंकि भैया अगर क्लोजली हेल्ड कंपनीज हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ऑप्ट ही नहीं करते थे. अब सारे ऑप्ट करेंगे इसको. एक और भी अच्छा था कि पावर जनरेशन कंपनी को 15% में डाल दिया गया. जो लोएस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग को पहले दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? सर मैं माफ करना, आई वुड बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट जीएसटी. आपने हालांकि बजट डिस्कशन के लिए बुलाया मुझे, जीएसटी इसमें होता ही लिया है, लेकिन पावर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे लिए और बहुत फोकस्ड सिग्निफिकेंट सेक्टर है. मैं कहता हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पावर सेक्टर के ऊपर जीएसटी नहीं लगा, उसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला हुआ है, उसको टैक्सेबल कैटेगरी में डाल दिया जाए. और जितना भी इनपुट उसको पावर को जनरेट, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट करने में मिलना चाहिए वो सारा इनपुट दे दिया जाए और पावर को टैक्सेबल कर दिया जाए. डोमेस्टिक पावर वैसे ही बहुत कम यूज होती है, जितनी कमर्शियल पावर है वो सारी टैक्स कर दो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे इंडस्ट्री ले लेगी और पीछे पावर की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए 10,000-10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 1,000-1,000 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कॉस्ट बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर यूनिट ऑफ पावर पे. ये मैं सर ये डे वन से जब जीएसटी आया है मैं तब से बोलता आ रहा हूं, आज मुझे मौका मिला पावर पे तो मैंने ये एड बीच में जबरदस्ती डाल दिया. यही फायदा होता है जब प्रोफेशनल बैठ के बातें करते हैं, ये फर्क पड़ जाता है. खैर मैं अभी 2-3 पॉइंट केवल एक हिंट दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ाई, उसके पहले मैं 2-3 पॉइंट अपने यूजर को, जो हमारे व्यूअर उनको बता दें. एफडीआई को भी लेके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके भी लोअर जो विथहोल्डिंग टैक्स था जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से था, उसको भी रेट को रिवाइज किया गया, रिड्यूस किया गया, वो बहुत अच्छा मूव है. स्टार्टअप के भी जो लिमिट्स थे, जो ईयर थे, उसको भी बढ़ा दिया गया है. उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उनके भी टैक्स रेट को 22% रिड्यूस कर दिया. ये हमारे यूजर के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिपीट किया. अब आ जाते हैं टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट की लिमिट को 5x कर दिया गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड 1 करोड़ को सीधा 5 करोड़. लेकिन उसमें कंडीशन है सर, अगर आपका टर्नओवर 5% से कैश में कम है तो ही आपको बेनिफिट है. अगर आप कैश में धंधा कर रहे हो तो भैया लिमिट वही है. अगर आपका मान लो 2 करोड़ रुपए का धंधा है और आपका टर्नओवर कैश में 10,00,000 रुपए से कम है कैश में, तो बेनिफिट मिलेगा आपको. वरना अगर 10,00,000 से ज्यादा हुआ तो आपको टैक्स ऑडिट अभी भी कराना पड़ेगा. अब आप समझिए दोस्तों, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कैशलेस इकोनॉमी बनाने का है, आपको ऑडिट ही नहीं कराना. हम आपकी आपकी किताबों पर रिलाय करते हैं अगर आप कैश में धंधा नहीं करते हैं तो. ये कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ने एक तरह से ये
एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को जिस तरह से कहा जाता था कि चोर है हर हर बात वो, वो नहीं अब वो इस बजट से इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस मेंटालिटी को वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेसमैन हमेशा चोर नहीं होता है, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, पिछले कुछ सालों से ये अज्यूम किया जाता है। देखिए, अगर बिजनेसमैन नहीं होगा, एसएमई नहीं होंगे, आप जॉब क्रिएशन की तो बात ही नहीं कर सकते। आप भूल जाए, आप जितनी भी कोशिश करना है करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉब क्रिएशन इस लिमिट में बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छा, यही एसएमईज में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन। चलिए, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अभी फेसलेस अपील की भी प्रोविजंस दे दिया गया। आपको लगता है कि जीएसटी में तो हम जूझ ही रहे, 9 और 9C के बीच में तो तलवार है, पता नहीं किधर गिरेगा, साइट नहीं चलता। आपको लगता है कि हम फेसलेस अपील भी हैंडल कर पाएंगे? सर देखो, बड़ा बड़ा अर्ली होगा इस बात को बोलना, फेसलेस असेसमेंट तो अच्छा है। हाँ, और नहीं, मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछें, नो इंटेलिजेंस कैन सब्स्टिट्यूट द ह्यूमन इंटेलिजेंस। Agree. आप चाहे जितना मर्जी AI ले आए, AI मैंने ही बनाया है, मतलब ह्यूमंस ने बनाया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप मानकर चलिए फेसलेस अपील्स को क्यों लाया गया, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट्स की वजह से अपील ज़्यादा होनी थी, इसलिए उसको भी फेसलेस कर दिया गया। कहीं इसका एक और एजेंडा जो था कि करप्शन को भी कर्व करने की कोशिश की जाए। सर, करप्शन को कर्व कीजिए ना, करप्शन को कर्व करने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें आर्टिफिशियल। अब आप बताइए सर, एक स्पेसिफिक सेक्शन को अप्लाई करने के लिए आप, मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें पढ़कर ऑफिसर, आपके ऑफिसर इतने इंटेलिजेंट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर वो समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। आई कैन टेल यू मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर ऑफिसर्स को जब तक मैं समझाता नहीं हूँ उनको वो व्यू नहीं समझ आता जिस व्यू से वो है ट्रांजेक्शन हुई है। नहीं, वो एकदम मैं आपकी बात से एग्री, लेकिन क्या एक फ्यूचर विजन दिया जा सकता? फ्यूचर विजन है, लेकिन मैं फील करता हूं मानसू जी, इससे लिटिगेशन बढ़ेगी घटेगी नहीं? करप्शन घट सकता है, लिटिगेशन बढ़ेगी। जो एज ए प्रोफेशनल ये बातें समझिए, ये इंडिविजुअल में हो सकता है कि बहुत अच्छी बातें लगे। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि फेसलेस की अगर हम बात करें तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हर का अपना अपना करप्शन रिड्यूस होगा, नो डाउट होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप तो इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत नजदीक से अच्छे से देखते हैं, विवाद से विश्वास, ये आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसे कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स में अभी जो सबका सबका विश्वास जो स्कीम आया हुआ था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल उसी को कॉपी पेस्ट किया गया। आपको लगता है कि ये डिस्प्यूट कम होंगे? मुझे लगता है कि इससे डिस्प्यूट्स कम होंगे, जो और कलेक्शन भी बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा, जो अपील्स भी जिसमें फाइल हो गई हैं, यहाँ थोड़ा चेंज आया है सबका विश्वास से अपील में। हाँ, जिसमें अपील भी फाइल हो गई है वो भी आप विवाद से विश्वास में जा सकते हैं उस स्कीम में। और सर मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का, सरकार ये चाहती है कि हम लिटिगेशन से बाहर आएं, 3 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के पास, तो अगर वो चाहते हैं बहुत अच्छा मूव है। एक स्कीम देखनी पड़ेगी कि कितना बहुत ज़्यादा कितना यूज़र फ्रेंडली या टैक्सपेयर फ्रेंडली है, बट एक इंटेंशन पॉजिटिव है जो अच्छा लगा मुझे देख के। चलिए, एक लास्ट चीज़, पैन कार्ड भी रियल टाइम बनने लगा। हाँ, नहीं तो अच्छा है सर, ये तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा है, पहले कंपनी के साथ आप अप्लाई करते तो कंपनी अब MCA ही आपको प्रोवाइड कर देती, तो एक अच्छा मूव है। और ओवरऑल अगर हम अभी केवल फाइनेंस इसलिए बात करें क्योंकि हमारा डोमेन ही वही था, तो हम बाकी चीजों की डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक पॉजिटिव नोट पे काम किया गया 100%। और पिछले कुछ सालों में जो भी बजट आए थे कहीं ना कहीं एक डेफिसिट था, और इस इकोनॉमी जो कि अभी जो जिस तरह से जिन्होंने कहा कि रीसेट मोड में चल रहा है, वहां पे इसकी जरूरत थी, ताकि बूस्ट मिले, लोगों को ट्रस्ट दिया जाए। और ये जो चोर वाला टाइटल है, मैंने आज कहीं चैनल पे भी था तो मैंने बोला ये जो चोर का टाइटल लगाया ना ये डिलीट करना, हमने आपको जी न्यूज पे देखा था सर, तो वही कह रहा हूं ये जो टाइटल आप हमेशा दे देते कि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ही सब कुछ। सर आप देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो ये आज उन्होंने अपने स्पीच में भी क्लियर किया और मैसेजिंग देने के लिए जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको 5x का बेनिफिट भी दिया। वैसे सर मैं एक ब्लास्ट में एक बात कहूँगा, वैसे तो सर ये जो प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को कि आप 5 साल के लिए इकोनॉमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में दे दो, हम आपका फिस्कल डेफिसिट जीरो कर देंगे, नोट छापना बंद कर देंगे। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं गवर्नमेंट को कोई एडवाइस नहीं देने वाला हूं कि मैं इन सब चीज़ों से एकदम दूर रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि आपको पता नहीं है ना,
इकोनॉमी में इतनी तरह के लोग भी हैं कि आप कोई कमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूँ जी, मैं पर्सनल अपने लेवल पे नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छा, सीएस की बात कर रहा हूँ, सीएस की, कि आप सीएस को इकोनॉमी में इन्वॉल्व कीजिए। मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में इन्वॉल्व कीजिए, आप फर्क देखेंगे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फर्क। एग्री तो करता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ऑलरेडी मैं उम्मीद भी करता हूँ कि टीम में बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से काम करते। खैर, आज के लिए इतना ही। बजट में अभी भी कोई कंफ्यूजन जो डिकोडिंग करने में रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी कंफ्यूजन हो, कोई टैक्स समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको वहीं पे कमेंट करेंगे, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। सर, आज के लिए आपने बहुत टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।